हेलो सेवेंथ क्लास। तो आज हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 3, रेशो से वस्त्र तक। तो मुझे बताइए कि रेशो से आप क्या समझते हैं? अगर रेशो का हम सरल मीनिंग देखें तो रेशो का अर्थ होता है धागे। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि इन धागों का स्रोत क्या होता है, मतलब ये रेशे किससे बनते हैं? ये रेशे, आपने ये पार्ट आपने छठी में भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता है। ओके, रेशे आम तौर पे दो स्रोत से पाए जाते हैं, पादप और जंतु। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं, ये आपने छठी क्लास में पढ़ा है। बिल्कुल सही, कपास या कॉटन या जूट, इसे पटसन भी कहते हैं, है ना। क्या आपको ये पता है कि रेशे हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं? तो ऐसे कौन से रेशे हैं जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं, बताइए। बिल्कुल सही, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ऊन, रेशम। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो दो उदाहरण दिए हैं। आप मुझे बताइए ऊन हमें किससे प्राप्त होता है? मुझे नर्सरी की राइम याद आ रही है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, है ना। तो हम ये जानते हैं कि ऊन हमें किससे मिलता है, भेड़ से। क्या भेड़ के अलावा भी किसी जानवर से हमें ऊन प्राप्त हो सकती है? अच्छा वो मुझे बताइए अब कि रेशम हमें किससे प्राप्त होती है? ये थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो रेशम हमें प्राप्त होती है कीट से, जिसका नाम होता है रेशम कीट या सिल्क वॉर्म। पर क्या आपको ये पता है कि ये जो पाए जाते हैं रेशे, ये जंतुओं के कौन से भाग से पाए जाते हैं? और जब हम इन रेशों को प्राप्त कर लेते हैं, धागों को, तो हम इनसे वस्त्र बनाते कैसे हैं? क्या आपको ये पता है? नहीं ना। तो ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे इस पाठ में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ये कि इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, और इस पाठ को जब आप पढ़ लेंगे तो आप क्या करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊन। पहला क्या है, ऊन की विशेषताएं बताना। आपको जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगी तब आपको पता चल जाएगा कि ऊन की क्या विशेषताएं होती हैं। दूसरा पॉइंट, उन जंतुओं के बारे में बताना जिनसे ऊन प्राप्त होती है, अभी हमने डिस्कस किया और अभी हम और डिस्कस करेंगे। और तीसरा, भेड़ से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करना। तो मुझे बताइए, अभी हमने बात करी कि ऊन हमें भेड़ से मिलती है, क्या भेड़ के अलावा भी कोई ऐसे जंतु होते हैं जिनसे ऊन मिलती है? याक और बकरी, है ना। तो याक और बकरी जो है, इनसे भी हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि ये जो ऊन प्रदान करने वाले जंतु होते हैं, इनके कौन से भाग से ऊन प्राप्त होती है? इनके बालों से, इनकी त्वचा पे बाल होते हैं, जिसकी वजह से, जिससे हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो बाल होते हैं त्वचा के, ये इनको गर्म रखते हैं, क्या आपको पता है ये? अच्छा, आप अपने ऊपर ही बताइए ना, जब गर्मियां होती हैं तो आप अपने बाल जो है वो कटवा लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें उन बालों से गर्मी लगती है। पर हमें बालों से गर्मी का एहसास क्यों होता है? क्योंकि जो बाल होते हैं उनके अंदर वायु कैद हो जाती है, वायु ऊष्मारोधी है, वो ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाह नहीं होने देती है और उसको स्थानांतरित भी नहीं होने देती है आसानी से। तो जब बाल त्वचा के ऊपर होते हैं तो वो हमें गर्मी का एहसास कराते हैं। इन रोएदार रेशों से ही ऊन प्राप्त होती है। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।